Assalamu alaikum. My name is Asim Shehzad and our subject is Business Mathematics. Before starting our formal discussion about this subject, I would like to discuss some of its contents. So, इस subject में first of all हम logarithm को discuss करेंगे. लॉगरिथम क्या है, व्हाट आर इट्स यूजेस, व्हाट आर इट्स रूल्स. उसके बाद कॉमन लॉगरिथम क्या है, व्हाट इज नेचुरल लॉगरिथम, और इन सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे. और होपफुली आप में से काफ़ी लोगों ने लॉगरिथम को पहले से भी कुछ ना कुछ स्टडी किया होगा. अगर हम फॉर द टाइम बीइंग लॉगरिथम को एक्सप्लेन करना चाहें, सो फॉर एग्जांपल इफ आई से अगर हम 3 की पावर 2 लें, दैट इज इक्वल टू 9, यानी 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. अब इसमें जो 3 है ये बेस है, जो उसकी पावर है 2 ये एक्सपोनेंट है, और जो हमारे पास रिजल्ट आया 9 ये वैल्यू है जिसे हम एक्स कह सकते हैं. तो यहाँ पर लॉगरिथम का रोल क्या है? लॉगरिथम बेसिकली हमें पावर कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. यानी अगर हम ये देखना चाहें कि 3 की कितनी पावर ली जाए, यानी 3 का एक्सपोनेंट कितना हो कि आंसर 9 आएगा, तो ये सॉल्यूशन हमें लॉगरिथम प्रोवाइड करेगा. यानी लॉगरिथम हमें बताएगा कि 3 की पावर 2 ली जाए तो आपके पास आंसर 9 आएगा. सो ये बेसिक लॉगरिथम की एक्सप्लेनेशन है. इससे रिलेटेड हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम इस लॉगरिथम के टॉपिक को आगे अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ये बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज का एक टॉपिक है. यानी सीक्वेंस एंड सीरीज मींस के कोई भी नंबर्स की सीरीज, फॉर एग्जांपल इफ आई से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, तो ये एक सीरीज है. अब ये जो सीरीज है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमें इसके रूल्स का पता होगा. तो इसका सिंपल बेसिक रूल तो ये होता है कि कोई भी ऐसी सीरीज नंबर की जिसमें हर दो कंजेक्टिव नंबर्स के दरमियान डिफरेंस सेम हो. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक सीरीज है. अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो हर दो कंजेक्टिव नंबर्स यानी जो साथ साथ हैं, 1, 2 का डिफरेंस 1 है, 2, 3 का डिफरेंस 1 है, 3, 4 का डिफरेंस 1 है, यानी इसमें हर दो कंजेक्टिव नंबर्स का डिफरेंस सेम है, यानी डिफरेंस कॉमन है. तो ये सीरीज कौन सी है? अरिथमेटिक सीरीज. इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, अरिथमेटिक सीरीज भी कह सकते हैं, और अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं. तो बेसिक इसमें लॉजिक ये है कि ऐसी नंबर ऑफ सीरीज, यानी नंबर्स की एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस हर दो कंजेक्टिव नंबर्स में सेम हो, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो फर्दर फिर हम इसमें उस सीरीज का सम कैसे करते हैं, उसमें कितने नंबर्स शामिल हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की एक सीरीज है, तो इसमें ये जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं इन्हें हम टर्म्स कहते हैं. तो कितनी टर्म्स शामिल हैं किसी सीरीज के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. फिर इसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे.
उसके बाद फिर हम सीक्वेंस एंड सीरीज में सेकंड टॉपिक जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है उसे डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने में सेम सेम लगते हैं, बट इसमें एक बड़ा प्रोमिनेंट डिफरेंस होता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो नंबर ऑफ सीरीज आपके सीरीज के अंदर जो नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल इफ आई से 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन, तो 3, 6, 12, 24 की जो सीरीज है अगर इसमें हम हर दो कंजेक्टिव नंबर्स का डिफरेंस ऑब्जर्व करें तो वो सेम नहीं है। इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है लेकिन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकती है, क्योंकि हर दो कंजेक्टिव नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो बेसिकली एक कॉमन रेशियो है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास सेकंड नंबर ऑफ सीरीज जिसे हम सेकंड टर्म ऑफ सीरीज कहते हैं 6, वो आएगा। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 12, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 24। इसका मतलब है कि हर दो कंजेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस तो सेम नहीं है बट हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से आती है, और इस एग्जांपल में वो सेम नंबर क्या है, 2, जिसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें फिर हम देखेंगे कि फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सी होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होते हैं, और इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सी होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड होते हैं, फिर फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैसे किया जाता है, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड की जाएंगी, ये सारी डिस्कशन हम फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखेंगे और फिर इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे लीनियर इक्वेशंस की तरफ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ, यानी इक्वेशंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब लीनियर इक्वेशन बेसिकली अगर हम सिंपली इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो वो इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर, यानी उसका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पावर को बोलते हैं, किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट +1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अक्सर लोग इसे 1 लिख देते हैं लेकिन 1 थोड़ा सा मिसगाइड कर सकता है, तो आप माइंड में रखिएगा +1, यानी +1 के अलावा +2 भी नहीं हो सकता, +3 भी नहीं हो सकता, या +1 के अलावा -1 भी नहीं हो सकता, -2 भी नहीं हो सकता, 0. something भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ उस इक्वेशन में मौजूद जितने वेरिएबल्स हैं उनकी पावर +1 है, तो वो वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी। फिर इसमें मोर देन 2 वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे, फिर मोर देन 2 इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, फिर कुछ ग्राफिकली देखेंगे इसे, फिर इसमें इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट को, स्लोप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लीनियर इक्वेशन में देखेंगे। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये टॉपिक भी आपने काफ़ी लोगों ने अपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक फॉर्म है दैट इज ax² + bx + c = 0, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे मैट्रिसेस की तरफ। सो व्हाट इज मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स बेसिकली इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, यानी एक बॉक्स की सूरत में, एक बॉक्स की शेप में आपके पास नंबर्स दिए होंगे और उस नंबर्स की रोज होंगी और कॉलम्स होंगे। फिर हम देखेंगे कि इस मैट्रिसेस को आप इसमें ऐड कैसे करते हैं, उसका एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और फिर लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनली हम मूव करेंगे
मैथमेटिकल फाइनेंस की तरफ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग बैंक्स में जाने के लिए जाने का इंटरेस्ट रखते हैं या बैंक्स की जॉब का इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक खासकर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी हमारी डे टू डे लाइफ में मैथमेटिकल फाइनेंस का काफ़ी रोल है। हम बहुत सी चीज़ों की कैलकुलेशन मैथमेटिकल फाइनेंस की हेल्प से कर सकते हैं। और इसमें हम, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, कि फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसे एक एग्जांपल से थोड़ा एक्सप्लेन करूं, तो कुछ यूँ कह सकते हैं कि अगर मेरे पास आज $100 हैं और आपके पास एक साल बाद $100 होंगे, तो ये दोनों $100 अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फाइनेंस इक्वल नहीं है। वेरी सिंपल, क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि मेरे पास जो आज $100 हैं, अगर मैं उन्हें आज किसी बैंक में डिपॉजिट करवा दूं, सेविंग्स अकाउंट में, उस पे फिर मुझे इंटरेस्ट मिले, फॉर एग्जांपल 10% एनुअल इंटरेस्ट मिले, तो वही $100 एक साल बाद $110 हो जाएंगे, जबकि आपके पास एक साल बाद कितने डॉलर्स होंगे? $100। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इसी से रिलेटेड हम देखेंगे कि आज के पैसे की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर किसी जगह पे इन्वेस्ट किया गया हो, तो कैसे इंक्रीज होगी और कितना इंक्रीज होगी। अगर हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं आज, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसमें ऐड होते होते उसे कितना इंक्रीज कर देगा, ठीक है? तो इसे हम फ्यूचर वैल्यू भी कह सकते हैं। फर्दर फिर इसमें ये कॉन्सेप्ट भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो इंटरेस्ट वगैरह हैं वो सिंपल इंटरेस्ट भी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, दोनों के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। फिर अगर मैंने एक से ज़्यादा टाइम पैसे इन्वेस्ट करने हैं और वो सेम अमाउंट है जो मैं बार बार इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, मल्टीपल अमाउंट्स होंगी लेकिन सेम होंगी, तो ये एक एन्युटी स्ट्रीम बन जाएगी। फिर उस एन्युटी स्ट्रीम की फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी इंटरेस्ट इंक्लूड करके, वो कैलकुलेशन सारी हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा अगर मैंने मल्टीपल अमाउंट्स डिपॉजिट करवाई हैं या इन्वेस्ट की हैं लेकिन वो अमाउंट्स डिफरेंट हैं, वो सेम नहीं है, तो ये एन्युटी स्ट्रीम तो नहीं है, ये एक मिक्स स्ट्रीम है। तो इस सिनेरियो में हमारी मिक्स स्ट्रीम की फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली हमने हमारे पैसे की, जो डिपॉजिटेड पैसा है, उसकी फ्यूचर में कितनी वैल्यू हो जाएगी, या अगर फ्यूचर में हम एक स्पेसिफिक अमाउंट बैंक से विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आज डिपॉजिट कितना करवाना पड़ेगा प्रेजेंट में, ये चीज़ें सारी इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें अमोर्टाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि अगर हम कोई भी एसेट, फिजिकल एसेट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने एक चेयर बाय की अपने बिजनेस में, ऑफिस के लिए, तो अब उस चेयर की एक यूज़फुल लाइफ है, फॉर एग्जांपल वो 5 years है, और उसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी वो 500 पड़ी। अगर देखा जाए तो जैसे जैसे मैं उस चेयर को यूज़ करूँगा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस चेयर की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? यानी अगर मैं उस चेयर की लाइफ 5 year है और मैंने 500 की बाय की है, तो एक साल अगर मैं उसे यूज़ करता हूँ तो उसकी वैल्यू 100 rupees कम हो जाएगी, रिमेनिंग उसकी वैल्यू 400 रह जाएगी। फिर एक साल मज़ीद यूज़ करूँगा तो उसकी वैल्यू 100 rupees मज़ीद कम हो जाएगी, रिमेनिंग उसकी वैल्यू 300 रह जाएगी। और अगर मैं उसे 5 years यूज़ कर लेता हूँ तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं है कि वो चेयर गायब हो जाएगी, वो चेयर फिज़िकली अवेलेबल होगी बट उसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी होगी, हमने उसकी सारी कॉस्ट को यूटिलाइज कर लिया होगा, फिर हम उसे स्क्रैप में कहीं पे सेल कर सकते हैं। तो अब ये जो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ग्रेजुअल डिक्रीज आ रहा था,
उस एसेट की वैल्यू में, ठीक है, इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी को कोई लोन दिया है, लोन लिया नहीं है, लोन दिया है, तो जो हम लोन किसी को देते हैं वो तो हमारा एसेट है। अब जैसे जैसे वो लोन हमें वापस मिलना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे हमारा लोन की अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी, यानी हमारा एसेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है, ये एसेट फिजिकल नहीं है, ये चेयर की तरह का एसेट नहीं है, ये फाइनेंशियल एसेट है, लोन है। तो इसकी वैल्यू में जो ग्रेजुअल कमी हो रही है, इसे हम अमोर्टाइजेशन कहेंगे, इसे डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे। तो ये जो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन है, ये भी हम मैथमेटिकल फाइनेंस में डिस्कस करेंगे कि हम जब लोन देते हैं फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें लोन वापस भी मिलता रहता है, तो लोन में कितनी कमी आती है, इंटरेस्ट कितना रिकवर होता है हमें, और ये इससे रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस हम इसमें देखेंगे। तो ओवरऑल ये हमारा मैथमेटिकल फाइनेंस का जो टॉपिक है, इसको अगर हम आप लोग डिटेल में अंडरस्टैंड कर लें तो आई थिंक कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप फ्यूचर में फाइनेंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपकी बेसिक्स थोड़ी सी स्ट्रांग होंगी, और अगर आप बैंक की तरफ मूव करते हैं जॉब करने के लिए, वहाँ भी आपको ये सब्जेक्ट काफ़ी हेल्प करेगा, ये वाला टॉपिक जो है मैथमेटिकल फाइनेंस। सो ये तो हमारे कंटेंट से रिलेटेड एक ब्रीफ डिस्कशन थी। अच्छा, अब हम अपनी फॉर्मल डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज लॉगरिथम। इफ वी लुक एट दी बुकिश डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, सो इन मैथमेटिक्स द लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन टू एक्सपोनेंशिएशन। दैट मीन्स द लॉगरिथम ऑफ ए गिवन नंबर एक्स इज द एक्सपोनेंट टू विच अनदर फिक्स्ड नंबर द बेस पी मस्ट बी रेज्ड टू प्रोड्यूस दैट नंबर एक्स। अगर इस डेफिनेशन को रीड किया जाए तो देखने में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, बट इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इस डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि लॉगरिथम बेसिकली किसी भी बेस की एक्सपोनेंट यानी पावर को शो करता है। वेरी सिंपल, यानी अगर मैं 6 की पावर 2 लूं, दैट इज 36। अब लॉगरिथम हमें क्या हेल्प करेगा, वो हमें ये बताएगा कि हमें 6 की कितनी पावर लेनी चाहिए कि हमारे पास आंसर 36 आए। ये इस डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब ये जो एग्जांपल मैंने बताई जिसमें 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36, इसमें जो 6 है ये बेसिकली बेस है जिसकी हमने पावर लेनी है, और जो उसकी पावर है 2 वो एक्सपोनेंट है, और जो हमारे पास आंसर आया 36, दैट इज बेसिकली वैल्यू जिसे हम एक्स कह सकते हैं, नंबर एक्स कह सकते हैं, वो वैल्यू है, आंसर है जो हमारे पास आया। तो अगर हम लॉगरिथम को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहें इसे, तो कुछ यूं लिखेंगे कि लॉग बेस बी, यानी ये लॉग के साथ जो बी लिखा है ये इसके सबस्क्रिप्ट में है। सबस्क्रिप्ट मीन्स कि एक पावर होती है और एक नीचे की तरफ हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, जो पावर है उसे सुपरस्क्रिप्ट और जो नीचे की तरफ लिखते हैं उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो लॉग बेस बी ऑफ एक्स, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये एक्स, लॉग बेस बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, ठीक है, ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई। अब इसमें ये जो बी है दैट स्टैंड्स फॉर बेस। अगर हम एग्जाम्पल लें, वी हैव लॉग बेस 2 ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लॉग बेस 2 है, ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 की कितनी पावर लें, यानी ये बेस है, इस बेस की कितनी पावर लें कि हमारे पास आंसर 4
4 है, तो कॉमन सेंस की बात है 2 की पावर 2 ही लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। तो ये जो 2 है एक्सपोनेंट यानी पावर, ये हमें लॉग कैलकुलेट करके देगा कि लॉग बेस 2 ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। यानी अगर हम यहाँ पर देखें जो येलो हाइलाइटेड है, इसमें 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो ये जो येलो हाइलाइटेड इक्वेशन लिखी मैंने, इसमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को शो कर रही है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यानी लॉग बेस 2 ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि इस बेस की ये पावर लें तो हमारे पास 4 आएगा, यानी बेस 2 की पावर 2 लें तो हमारे पास 4 आएगा। और इसको दूसरे वर्ड्स में यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो बेस में 2 लिखा हुआ है, इसका जो आंसर लॉग ने निकाला है 2, यानी इसकी पावर 2 लें। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इस बेस वाले 2 को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे पास 4 आएगा। तो वैसे कॉमन सेंस की बात है कि अगर 2 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम 2 की रेस्ट पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम लॉग बेस 2 ऑफ 8 कैलकुलेट करें, दैट वुड बी 3, क्योंकि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए, 2 मल्टीप्लाई 2, तो फिर ही हमारे पास 8 आएगा। यानी 2 की पावर 3 ली जाए या 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, देन वी हैव 8। तो लॉग बेस 2 ऑफ 8 वुड बी इक्वल टू 3। उसके बाद लॉग बेस 2 ऑफ 32 इज इक्वल टू व्हाट? तो 2 की पावर अगर 5 ली जाए, अगर मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सप्लेन करूं, तो 2 की पावर 5 लें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास 32 आता है। तो दैट मींस के लॉग ये बता रहा है कि आप 2 की 5 पावर लेंगे तो 32 आपके पास प्रोड्यूस होगा। उसके बाद अगर हम अपनी बेस को चेंज कर लें, अभी तक हमने लॉग में जो बेस रखी वो 2 थी, यानी 2 की कितनी पावर लें तो हमारे पास 4 आएगा, 2 की कितनी पावर लें 8 आएगा, 2 की कितनी पावर लें 32 आएगा। अगर हम बेस चेंज कर लें, अब बेस में हमारे पास लॉग बेस 3 ऑफ 9 इज इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ पर हमने उसे 2 लिख दिया, क्योंकि 3 की पावर 2 ली जाए तो ही 9 आएगा। यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो ही हमारे पास 9 आएगा। तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है, और ये जो येलो हाइलाइटेड है दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर जितने भी येलो हाइलाइटेड लिखी हुई हैं चीज़ें, ये सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं। उसके बाद लॉग बेस 3 ऑफ 27 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 की पावर 3 ली जाए तो ही हमारे पास 27 प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली अगर हम बेस को दोबारा चेंज कर दें और इस दफ़ा हम बेस को रख लें 4, लॉग बेस 4 ऑफ 16 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 4 की पावर, बेस 4 की पावर या एक्सपोनेंट अगर हम 2 लेंगे तो ही हमारे पास रिजल्ट 16 आएगा। अगर हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखें तो 4 का स्क्वेयर लें तो ही हमारे पास 16 आएगा, या 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ही हमारे पास 16 प्रोड्यूस होगा। उसके बाद लॉग बेस 5 ऑफ 125 इज इक्वल टू 3, यानी अब बेस में हमारे पास 5 है, यानी 5 की कितनी पावर लें कि 125 आएगा। तो वेरी सिंपल, 5 की 3 पावर लें तो हमारे पास 125 आएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो 5 की 3 पावर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास 125 प्रोड्यूस होगा। अब अगर बेस को चेंज करें और 6 कर दें, लॉग बेस 6 ऑफ 36 इज इक्वल टू 2, यानी अगर हम 6 की पावर 2 लें तो हमारे पास 36 प्रोड्यूस होगा, या 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें या 6 का स्क्वेयर लें तो ही 36 आएगा।
और सिमिलरली लॉग बेस 7 ऑफ 49 इज इक्वल टू 2. 7 की पावर अगर हम 2 लें तो ही हमारे पास 49 प्रोड्यूस होगा, यानी 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49. तो इन एग्जांपल से हमें लॉगरिथम की डेफिनेशन तो काफ़ी डिटेल में समझ आ चुकी है कि लॉगरिथम बेसिकली हमें बताता है कि किसी भी बेस की कितनी पावर ली जाए कि एक डिज़ायर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाए. अब फर्दर मूव करते हैं इसमें कि लॉगरिथम के टाइप्स क्या हैं. तो मेजॉरिटी दो तरह के लॉगरिथम यूज़ किए जाते हैं और हमारे कैलकुलेटर्स पर भी वो अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉमन लॉग. अब कॉमन लॉगरिथम कह लें या कॉमन लॉग कह लें, एक ही बात है. अब लॉगरिथम बार बार कंप्लीट लिखना लाजमी नहीं है, आप उसका शॉर्ट में भी लिख सकते हैं लॉग. तो यहाँ पर कॉमन लॉग मीन्स कॉमन लॉगरिथम. अब कॉमन लॉग क्या होता है? अब हमने अगर देखें तो ऊपर जितनी भी एग्जांपल्स देखी उनमें हमारे पास लॉग की एक बेस थी, यानी लॉग बेस 2 था, उसकी हम 2 पावर लेते थे तो 4 आता था. फिर लॉग बेस 3 था, उसकी पावर 2 ली तो 9 आया. फिर लॉग बेस 5 था, उसकी पावर 3 ली तो 125 आया. लॉग बेस 6, लॉग बेस 7. अब कॉमन लॉग क्या होता है? कॉमन लॉग बेसिकली वो लॉग जिसकी बेस 10 होती है ऑलवेज. यानी फॉर एग्जांपल इफ आई से लॉग बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू व्हाट, इसका मतलब है कि 10 की कितनी पावर ली जाए तो हमारे पास 100 आएगा. तो 10 की 2 पावर लें तो ही हमारे पास 100 आएगा, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 या 10 का स्क्वायर. अब मैंने यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं लिखी क्योंकि वो आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि 10 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास 100 आएगा. तो यहाँ पर ये जो लॉग बेस 10 लिखा है मैंने, इसमें बेस लिखनी लाजमी नहीं है क्योंकि जिस लॉगरिथम की बेस 10 होती है उसे हम कॉमन लॉग कहते हैं और उसमें हम नॉर्मली बेस लिखते ही नहीं हैं. यानी नॉर्मली वी डू नॉट मेंशन बेस इन कॉमन लॉग. फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉमन लॉग लिख रहा हूँ यानी जिसमें बेस 10 है, तो उसे मैं लॉग बेस 10 लिखने की बजाय सिंपली लॉग लिख दूंगा और आगे अपनी वैल्यू जो डिज़ायर्ड मुझे चाहिए और उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाएगा. यानी ये जो लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स लॉग बेस 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू 1. यानी 10 की पावर 1 लें तो ही हमारे पास 10 आएगा. सिमिलरली लॉग ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3. यानी इसमें लॉग में कोई बेस मेंशन नहीं की गई तो इट्स नेचुरल के ये या इट्स अंडरस्टूड के ये कॉमन लॉग है और इसमें बेस कितनी होगी? 10 ही होगी. तो 10 की पावर कितनी लें कि हमारे पास 1000 आए? तो 10 की पावर 3 लें तो हमारे पास 1000 प्रोड्यूस होगा. सिमिलरली लॉग ऑफ 1 मिलियन इज इक्वल टू व्हाट? तो लॉग यानी 10 की पावर अगर हम 6 लें तो वी विल हैव 1 मिलियन. अब इसके बाद अगर हम इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करें तो यहाँ पर अब लॉग ऑफ 0.1 है, यानी यहाँ पर बेस 10 है. 10 की पावर कितनी लें कि हमारे पास 0.1 आएगा? तो इट इज़ अंडरस्टूड कि अगर हम उसकी पावर -1 लें तो हमारे पास 0.1 आएगा. अगर हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें तो वो कुछ यूँ होगी कि 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 अगर हम इसे 1/10 लिखना चाहें तो फिर हमारा जो पावर 1 है माइनस में वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. अब ये जो 1/10 लिखा हुआ है इसे अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली 1/10 इसमें जो 1 है दैट इज़ न्यूमिरेटर और जो 10 है दैट इज़ डिनोमिनेटर. अब यहाँ पर जो आपका 10 था जिसकी पावर -1 है, अगर हम इसे डिवाइड के नीचे ले जाएं यानी डिनोमिनेटर बना लें तो मैथमेटिक्स के मुताबिक
इसकी जो पावर है उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, यानी 10 की पावर अगर माइनस वन थी, जब 10 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा 1/10, तो इसकी पावर प्लस वन हो जाएगी। अब प्लस वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अंडरस्टूड, तो फिर हम इसलिए यहाँ पर उसे मैंशन नहीं करेंगे। और अगर 1/10 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.1। यानी 10 की पावर माइनस वन लें तो ही हमारे पास 0.1 आएगा, यानी लॉग बेस 10 ऑफ 0.1 इज इक्वल टू माइनस वन। उसके बाद अगर लॉग ऑफ 0.01, अब मैं बार बार यहाँ पर लॉग जो सिंपल लिखा हुआ है उसको लॉग बेस 10 नहीं बोलूँगा, क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड कि जब बेस मेंशन नहीं है तो इसमें बेस 10 ही होगी और ये कॉमन लॉग होगा। तो लॉग ऑफ 0.01 इज इक्वल टू माइनस टू। अगर आप अपने कैलकुलेटर पे देखें, लॉग और ब्रैकेट में 0.01 लिखें, लॉग 0.01, तो उसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस टू आएगा। इसका मतलब है कि हम अगर 10 जो हमारी बेस थी उसकी पावर माइनस टू लें तो उसे रीराइट करें और 10 को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो 1/10, तो पावर माइनस टू की जगह प्लस टू हो जाएगी, यानी 10 की पावर माइनस टू इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10 की पावर टू। अब इस 1/10 की पावर टू को अगर फर्दर रीराइट करें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, और अगर इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.01। तो ये जो येलो कलर में लिखी है ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी 10 की पावर माइनस टू इज या 1/10 की पावर प्लस टू इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, और ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है कि लॉग ऑफ 0.01 इज इक्वल टू माइनस टू, यानी 10 की पावर माइनस टू लें तो 0.01 प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली अगर लॉग ऑफ 0.001 हो दैट वुड बी माइनस थ्री, यानी 10 की पावर अगर इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें तो 10 की पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू 1/10 की पावर प्लस थ्री, पावर प्लस में कन्वर्ट होगी। फिर उसके बाद इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, तो अगर इन तीनों 1/10 को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 0.001, यानी लॉग की पावर 10 की पावर माइनस थ्री ली जाए तो हमारे पास 0.001 आएगा। और इसके बाद लॉग ऑफ 0.0001 दैट वुड बी इक्वल टू माइनस फोर, यानी 10 की पावर अगर हम माइनस फोर लें तो हमारे पास 0.0001 आएगा। अब यहाँ तक हमने इसकी लॉगरिथम क्या है उसे एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा, यहाँ पर जैसे हमने शुरू में एग्जांपल्स में देखा, फिर उसके बाद हमने उनकी डिफरेंट बेस के अकॉर्डिंगली लॉगरिथम को सॉल्व करके देखा, लेकिन अभी तक हमने कैलकुलेटर का इतना कुछ यूज़ नहीं किया इसके अंदर। फिर कॉमन लॉगरिथम क्या है उसे देखा, उसके बाद कॉमन लॉगरिथम की कुछ एग्जांपल्स उन्हें हमने अभी देखा है यहाँ पे। तो इसको आप अच्छी तरह रिवाइज करिएगा। और एक और चीज़ कि जब भी आप लेक्चर सुन रहे हों तो कोशिश करिएगा कि हैंड्स फ्री यूज़ करें ताकि आपको वॉइस क्लियरली आए, और दूसरी चीज़ कि अपने लेक्चर को सुनने के बाद उसके हैंडआउट्स बना लिया करें, कोई नोट्स बना लिया करें ताकि आपको बार बार लेक्चर सुनने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने हैंडआउट्स को रिवाइज कर लिया करें टाइम टू टाइम। तो अपने पास एक रजिस्टर पेन और कैलकुलेटर हमेशा पास रखा करें जब लेक्चर सुन रहे हों, तो साथ के साथ अपने नोट्स वगैरह तैयार करते जाया करें ताकि एट दी एंड आपको फिर सारे लेक्चर्स दोबारा ना सुनने पड़े, आप सिर्फ अपने हैंडआउट्स को देखें और आपकी रिवीजन हो जाए। और इसमें अब आपने खुद से कुछ बेस एज्यूम करके और उनकी वैल्यू एज्यूम करके, फॉर एग्जांपल लॉग बेस
9 ऑफ समथिंग, कोई भी वैल्यू रख लें, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और कुछ एग्जांपल्स जिस तरह की हमने भी देखी, इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स खुद से बना के उन्हें सॉल्व करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं। फिर हम इससे नेक्स्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।